वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ। और आज की हमारी जो स्पेशल हेल्दी रेसिपी है वो है आलू चना चाट। रमज़ान के हवाले से ये एक बहुत हेल्दी तरीके से हम आपको बनाना बताएंगे। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, थोड़ा सा इसमें राई दाने का भी इस्तेमाल किया गया है और दीगर जो मसाला जात इसमें शामिल किए जाएंगे, ये इसको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इसका फ्लेवर भी होगा और ये हेल्दी भी होंगे। इसमें वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल है, जैसे कि प्याज और टमाटर, हरी मिर्च, धनिया और पुदीना। अच्छा, इसको बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है नाज़रीन, इतनी सारी आप सबसे बातें करनी होती हैं और इतना कुछ कहना भी होता है कि फटाफट पहले मैं जल्दी से आपको एक रेसिपी कार्ड दिखा दूं और दूसरा हम आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट बना दें, ताकि साथ साथ बनाते भी जाएंगे हमारी आज की हेल्दी रेसिपी और आपसे खूब सारी डाइट प्रोग्राम्स, डाइट प्लान्स और ये जो नई हमने मुनफरिद और कारामत फूड गाइड ज़ाबतीस के मरीज़ों के लिए इंट्रोड्यूस किया है उसके बारे में आपसे कुछ बातचीत होगी मज़ीद, ताकि आपको और गाइड किया जाए, ताकि आप इस बहुत फ़ायदेमंद, बहुत मुनफरिद फूड गाइड से फ़ायदा उठाइए, जो कि है ज़ाबतीस के मरीज़ों के लिए एक नया इंट्रोडक्शन हेल्थ टी वी की तरफ से। और सबसे पहले हम ले लेते हैं जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी कौन बोल रहा है? शमा बात कर रही हूँ जी। कहाँ से शमा? कराची से बात कर रही हूँ जी। शमा कैसी हैं? खैरियत से हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक जी। शमा, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? मुझे जो आप अभी सबको बता रही हैं, मुझे भी डाइट प्लान चाहिए। अच्छा, बिल्कुल आपको मिलेगा डाइट प्लान। अपनी उम्र बताइए। 33। ओके, और हाइट क्या है? मेरी 5'5". अच्छा, और अभी कितना है वजन? अभी मेरा वजन है 78 kg। हाँ, स्लाइटली बड़ा हुआ है। एक्सरसाइज नहीं करती ना आप? नहीं, एक्सरसाइज भी नहीं है और वॉक भी नहीं है। मेरा 2007 में ना मिसकैरेज हुआ था। ओके, सॉरी। और उसके बाद मेरा वेट जब मतलब 64 था, जब मेरा मैं ढाई महीने की प्रेग्नेंट थी। राइट, तो मेरा मिसकैरेज हो गया था। ओके, और जब मुझे ड्रिप्स वगैरह या जो भी उन्होंने डीएनसी वगैरह की थी, उसके बाद मेरा वेट 75 kg पे था। ओह माय गॉड, अच्छा। और मैंने 75 kg पे ही अपनी बेबी को कंसीव किया था। राइट, और 13 kg मैंने टोटल गेन किया था 9 months में। ठीक है, लेकिन उसके बाद मुझे अपनी बेटी की डिलीवरी के बाद कार्डियोमायोपैथी हो गई थी। ओके, ओहो। तो उसके बाद अब अल्लाह का शुक्र है मेरा हार्ट नॉर्मल फंक्शन कर रहा है। अच्छा, माशाल्लाह, सारा कुछ सही है। अच्छा, उस टाइम जो हार्ट का ईएफ आया था वो 25% आया था। ओह गॉड, अच्छा। और अब 65% है, अब नॉर्मल है। अब मैंने सब डॉक्टर्स को कंसल्ट वगैरह कर लिया। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं दोबारा कंसीव करना चाह रही हूँ, लेकिन इस वेट के साथ नहीं। इस वेट में तो मुश्किल होगा ना थोड़ा सा। शमा, मेरा 100 kg पे पहुंच गया था वेट जब मुझे ये बेबी डिलीवर हुआ ना। राइट, उसके बाद मुझे जब प्रॉब्लम आई, मेरे लंग्स में पानी वगैरह पड़ गया था। राइट, तो उसके बाद मेरा वेट जो था वो 100 kg पे था, जब इन्होंने मुझे ज़ियादीन हॉस्पिटल ने 3 days के लिए आईसीयू में रखा। राइट, तो वो 75 से आ गया था। ओके, मतलब जो भी मेरे घर जिसमें में पानी वगैरह था वो सारा ड्रेन आउट, जिस तरह इन्होंने इंजेक्शंस के थ्रू किया। ठीक है, तो वो 75 kg मेरा 3.5 साल से स्टक था। ओके, 3 साल से आप समझ लें, लेकिन ये सर्दियों में थोड़े सा मतलब आप समझ लें कि थोड़ा सा कॉफी ज्यादा पी ली, मतलब रात में या कुछ और कर लिया, मतलब थोड़ी सी ओवर। सर्दियों में तो थोड़ा बढ़ जाता है वजन। हाँ जी, वो बढ़ गया, अब कम नहीं हो रहा। वो जो 3 kg बढ़ा ना, 4 kg। राइट राइट, ठीक है। तो ये 3 kg बढ़ गया, तो ये अब कम नहीं हो रहा। हालांकि मेरा मैं डाइट प्लान लेना चाह रही हूँ जी। डाइट प्लान, सॉरी आप कंप्लीट कीजिए क्या कह रही। मैं डाइट प्लान ऐसा लेना चाह रही हूँ कि जो मैं इजीली कर सकूं। राइट, और दूसरा ये कि मेरे हार्ट को कोई प्रॉब्लम ना आए या कुछ और ना आए, क्योंकि अब मैंने कंसीव भी मैं करना चाह रही हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मेरा वेट थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। रिड्यूस हो जाए, हाँ, आपके लिए आसानी होगी हर फॉर्म में अगर आपका वेट थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन ये जब मुझे मेरा मिसकैरेज हुआ था ना, तब से मेरा 75 था और मैंने मतलब उसके 1 साल बाद कंसीव किया था अपनी मतलब बेबी को जी। बीच में मुझे जॉन्डस भी इतना सवेयर हुआ था कि मेरा वेट जो है वो ड्रॉप ही नहीं हुआ था। राइट राइट, नहीं, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड शमा। हम इसको बिल्कुल डिस्कस मैं करूँगी
हमारी न्यूट्रिशनिस्ट से और हम कार्डियोलॉजिस्ट से भी डिस्कस करेंगे ताकि आपके जो कंडीशन को नज़र में रखते हुए हम एक आपके लिए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान तैयार करेंगे और इंशाल्लाह इसमें थोड़ा सा मुझे ज़रा वक्त दीजिए। कोई बात नहीं, ये मतलब मैं ईद के बाद ही शुरू करना चाह रही हूँ। ठीक है, हाँ ईद से पहले आपको मिल जाएगा। ठीक हाँ, है और दूसरा ये जी कि मुझे कोई टेस्ट ऐसा कराना पड़ेगा अपना, कोई मतलब कि मेरा क्यों नहीं वेट कम होता? ये आपका वेट, एक तो एक्सरसाइज नहीं हो रही शमा, वेट जो है वो स्टैगनेट कर रहा है, एक जगह आके रुक गया है। ठीक है, बहुत दफ़ा ऐसे होता है, थोड़ा सा डाइट। शादी से पहले मैं एक दिन का भी मतलब होता था ना फाका आप कर लो राइट, या थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लो तो मेरा वेट फौरन नीचे ड्रॉप हो जाता था, लेकिन अब तो मतलब नहीं शमा वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। बेसिकली एज का भी मैटर करता है ना, जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमारा वेट जो है वो भूखा रहने से तो वैसे भी सही तरीका नहीं है वजन नहीं नहीं मैं देना, भूखा नहीं रहती मेरा थी, मतलब मतलब मैं कम चीजें छोड़ खाने से। देती थी। हाँ चीज़ें कम खाने से, तो बेसिकली अगर आप जैसे हमारी एज ज़्यादा होती जाती है तो हमारे लिए और मुश्किल होता है कि अगर हम कैसे वेट गिराना, तो बेसिकली आपको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है, एक डाइट प्रोग्राम फॉलो करना होता है। लेकिन मैंने आपकी बिल्कुल कंडीशन समझ ली है, इंशाल्लाह मैं ये डिस्कस करूँगी, इसको तैयार करूँगी आपके लिए ताकि आपके हार्ट पर कोई इफ़ेक्ट ना आए, आपकी और जो इश्यूज़ हैं वो सब इन कंट्रोल रहें और आप आसानी से वेट लॉस कर सकें और आसानी से अपना वेट गिरा सकें। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा वेट आपने नहीं गिराना, वज़न बिल्कुल गिर जाएगा, सिर्फ ये है कि आपने डाइट प्लान को ज़रा सा स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जितना ज़्यादा आप उस पर स्ट्रिक्टली अमल उसमें लाएंगी, अमल करेंगी, उतना ज़्यादा उसमें ज़बरदस्त इफेक्टिव रिजल्ट होंगे। इसी के साथ नाजीन हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस एंड वी विल बी राइट बैक।